तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल में सेफ सोहन सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का। और सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पकोड़े यानी कि आलू की भजिया। शो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे जैसे सेम रेस्टोरेंट में आते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। आलू की भजिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 4 आलू मीडियम साइज के। अब इसको हम पिल करके काट लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे आलू हैं जो उसको हमने पिल कर लिया है। अब इसको हम पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। तो हमारे जो स्लाइसेस हैं एकदम पतले होने चाहिए, नहीं तो जो आलू हैं वो पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। सो इसको काटने के बाद हम इसको एक पानी से भरे हुए बॉल में डाल लेते हैं जिससे इसका एक्स्ट्रा जो स्टार्च है और वो निकल जाएगा। आलू के स्लाइस काटने के बाद हम इसको पानी से वॉश कर लेते हैं और एक स्ट्रेनर में यानी कि जाली में डाल लेंगे इसका पानी निकलने के लिए। आलू हमारे कट चुके हैं और अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं बेसन का, जो हम फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे आलू को। तो यहाँ पर हम 2 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, 1/4 हिस्सा टीस्पून का बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है मैंने। अब बाकी के मसाले इसमें डालने हैं, बाकी वो भी डाल लेते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून एंड धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के अनुसार। ये गया हमारा इसमें नमक। अब इसको हम पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें एक चीज़ भूल गए थे, जीरा भी डाल लेंगे, होल जीरा। अब इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि हमें सबसे पहले पानी धीरे धीरे डालना है ताकि जो हमारे लम्स हैं वो ना बन पाए इस बैटर पे। ये हमारा घोल रेडी हो चुका है। अब इस घोल में हम जो कटे हुए आलू थे उसको डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिक्स कर लें अच्छे से। और यहाँ पर मैंने एक साइड में तेल की कढ़ाई भी चढ़ाए रखी है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका होगा। अब इसके बाद हम इसमें तुरंत फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट में होना चाहिए और नहीं ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर हम डालना शुरू करते हैं एक एक पीस को आलू के। ये गए हमारे आलू के पकौड़े तेल में फ्राई के लिए। इस तरह से एक एक पीस डालें, एक साथ पे सब मत डालें क्योंकि वो आपस में चिपक जाते हैं। फ्राई होने के बाद जब हमारे ये भजिया ऊपर आ जाती है तब इसको हम अपने छलनी के द्वारा इसको एक बार पलटी कर लेते हैं। एक बार जब हमने इसको पलटी कर दिया है तो उसके थोड़ी देर बाद रुकने के बाद इसको फिर बार बार चलाते रहें छलनी के द्वारा, जिससे हमारे पकौड़े पूरी साइड से पक जाएं, कहीं से भी कच्चे नहीं रहें। इसके लिए इसको बार बार अब पलटी तक करते रहें। लगभग हमारे जो पकौड़े हैं रेडी हो चुके हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्प सी लग रहे हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इनका। अब एक प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छे से पक चुके हैं। इसके कलर से देखिए कैसे चेंज हो चुका है।
अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी आपको? ये देखिए हमारे आलू की भजिया एकदम ज़बरदस्त लग रही है, बाहर से भी बहुत क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल।